गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखा था, कुछ डेफिनेशन देखे थे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। उन कैरेक्टरिस्टिक के साथ में कंप्यूटर के कुछ लिमिटेशंस भी होती है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो भी कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स ही कहलाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को आईक्यू नहीं है, खुद का इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर खुद काम नहीं कर सकता, उसको काम के लिए इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, उसको कॉमन सेंस नहीं है। समझो उसका अगर कीबोर्ड गिर जाता है तो रोएगा नहीं, सेंस नहीं है उसको, फीलिंग्स नहीं, इमोशंस नहीं है। सो वी कैन से कंप्यूटर डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, कंप्यूटर डजेंट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इट्स ओन पावर टू थिंक, एंड कंप्यूटर ऑल्सो अनेबल टू टेक एनी डिसीजंस। कंप्यूटर खुद के डिसीजन नहीं ले सकता, उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है यूज़र द्वारा या फिर ऑपरेटर द्वारा। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे कि कंप्यूटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, जिसमें था कि कंप्यूटर भाई बहुत स्पीडली डिवाइस है, कंप्यूटर अ वेरी स्पीडली डिवाइस, इट वर्क्स 1000 times फास्टर दैन मैन। देन मेमोरी, इट्स मेमोरी इज वेरी हाई, इट स्टोर द डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन एक्यूरेसी, कंप्यूटर इज एन वेरी एक्यूरेट डिवाइस विच परफॉर्म वेरी एक्यूरेट कैलकुलेशन एंड लॉजिकल परफॉर्मेंस। देन वर्साटाइल, कंप्यूटर इज अ वेरी वर्साटाइल इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स मल्टी टास्क एट अ टाइम। देन इट्स ओवरकम द रिपीटेटिवनेस, रिलायबल, कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल डिवाइस, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक डिवाइस विच वर्क्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, इट्स हैव द पावर ऑफ डिलीजेंस विच वर्क्स विदाउट लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड लैक ऑफ लेजीनेस, न थकता, बिल्कुल बिना रुके बिना थके बहुत देर तक काम करने की क्षमता जो है वो कंप्यूटर में है। इट्स ऑल्सो कन्वर्ट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टू द रॉ मटेरियल, इन टू द रॉ डेटा, इन टू द राइप डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन, कच्ची माहिती या अपूर्ण माहिती पूर्ण माहिती बनवण्यासाठी, प्रोसेस करण्यासाठी कंप्यूटर घेत असतो, दॅट इज द प्रोसेसिंग। सो दिस ऑल इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विथ दिस। इसके साथ में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि कंप्यूटर के को आईक्यू नहीं है, खुद का इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको फीलिंग्स नहीं है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर के फंडामेंटल के या फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के जो यूनिट में है वो यहाँ तक हमने डेफिनेशन देखी है, कैरेक्टरिस्टिक देखिए, इवोल्यूशन को हमने रोक दिया है, जो बड़ा पॉइंट है उसको ये जनरेशन्स होने के बाद में या जनरेशन के पहले देखेंगे। लेकिन इसमें ये जो यूनिट में एक दो पॉइंट जो दिए नहीं है वो भी कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं, जैसे कि भाई कंप्यूटर के यहाँ पे दिए नहीं है कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या है, या फिर पूछ लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर के, कंप्यूटर कहाँ का, देखो लास्ट में दिया है टाइप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर दिया है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ये हम इवोल्यूशन और जनरेशन के पहले ले लेंगे, जैसे कि अभी हम एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। या फिर आपको लगता है कि भी सर आप ऐसे क्यों ले रहे हैं, इवन ऑड ले रहे हैं, तो हम इवोल्यूशन देख लेते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर देखा, फिर उसका डेफिनेशन देखा, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, अब हम इवोल्यूशन देखेंगे। इवोल्यूशन देख लीजिए, इवोल्यूशन मीन्स वॉट, इवोल्यूशन क्या है, तो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है, कंप्यूटर का जो विकास है, वो जिस तरह से हुआ, जो स्टेप बाय स्टेप हुआ, वो स्टेप बाय स्टेप जो है उसके पीरियड को एवोल्यूशन बोलेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन अ पीरियडिक स्टेजेस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। कंप्यूटर का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो बहुत ही पीरियडिक हुआ। जैसे कि आप देखते हैं कि पहले आप पहले में थे, फिर दूसरे में, फिर दसवीं में, फिर बारहवीं में, आज आप फर्स्ट ईयर में हैं। तो ये जो है एक पीरियोडिक आपकी डेवलपमेंट हो रही है, आप आगे जा रहे हैं, तो उसको एवोल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अब देखो
कि आप जब पहले में थे तो आपको कम नॉलेज था, दूसरे में गए तो थोड़ा ज़्यादा, पाँचवें में गए तो बढ़ गया, आज आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। किसी भी सेक्शन में, किसी भी फील्ड में आप अब वर्क कर सकते हैं या फिर उसको हैंडल कर सकते हैं, आप उसको समझ के ले सकते हैं। सो व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ योर माइंड, आपके माइंड की डेवलपमेंट हुई है। सेम थिंग्स विद द कंप्यूटर, कंप्यूटर में भी क्या हुआ है कि डेवलपमेंट हुआ है। तो ये जो कंप्यूटर का पीरियडिक डेवलपमेंट है, इसको एवोल्यूशन बोलते हैं। अब ये इवोल्यूशन में डेफिनेटली हिस्ट्री आ जाएगा कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत पहले, यानी इट्स अराउंड 16th century, 16वें सेंचुरी में, इन द ईयर 1640, 1614 में जॉन नेपियर ने एक मैथमेटिकल मशीन बनाया था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया था जिसको लॉगरिथम कहते थे। कब? 1614 में, यानी 17वीं सेंचुरी में। एक्चुअली 16वीं सेंचुरी होने के बाद में 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने, आपको मेरे ब्रीफिंग पे, आपको मेरा जो एसेंट्स है उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जो मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा सा अच्छे से सुनना पड़ेगा। इन द ईयर 1640, 1614, जॉन नेपियर, जिसने एक गणितीय मशीन बनाया, मैथमेटिशियन, जो खुद गणितीय था, गणित तज्ञ था, उसने एक गणितीय मशीन बनाया जो प्योर कैलकुलेटर था, और वो पहला कैलकुलेटर था जिसको हम लॉगरिथम बोलते थे, लॉगरिथम। और इसका बिल्कुल ही एक स्पेशल वर्क था, जो क्या करता था, जो अर्थमेटिक प्रोसीजर करता था, जो गणितीय प्रक्रिया करता था। उसके बाद में क्या हुआ, 17वीं सेंचुरी में 1642 को, आप थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको, आफ्टर दैट इन 1642, 1642 को, 1642, 1642 को ब्लेज पास्कल ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया, मैथमेटिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाया, जो कि मैथमेटिशियन ने जो बनाया था जॉन नेपियर ने, उसके समान ही था, लेकिन कुछ उसमें एडवांस था, इसीलिए उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन इज व्हाट, इट इज़ द पीरियडिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मशीन, इन पर्टिकुलर डिवाइस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इवोल्यूशन। इट इज़ द पीरियडिक डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, सम फीचर्स एडेड इन पर्टिकुलर डिवाइस। सो इन 1642 ब्लेज पास्कल डेवलप्ड मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, एंड दिस मशीन वॉज परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस। फर्दर इसके बाद में एक जर्मन मैथमेटिशियन था, एक जर्मन गणित तज्ञ था, गॉटफ्रीड लेब्रिज, उसने भी एक डिवाइस बनाया था, और वो डिवाइस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और दूसरे भी गणितीय कैलकुलेशंस करता था, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता था, जो ब्लेज पास्कल के बाद में उसने एक मशीन बनाया था, जो एक गणित तज्ञ था जर्मन का, उसका नाम था गॉटफ्राइड लेब्रिज। सी, मैं आपको तीन नाम और बताना चाहूँगा एक बार। द फर्स्ट जॉन नेपियर, उसने, वो खुद एक गणित तज्ञ मैथमेटिशियन था, जिसने बनाया था कैलकुलेटिंग डिवाइस लॉगरिथम 1614 में, लॉगरिथम बनाया था, जो खुद एक मैथमेटिशियन था, जिसका नाम था जॉन नेपियर। फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने एक मशीन बनाया था, जो प्योर अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए जाना जाता था। फिर उसके बाद में, लेटर ऑन, पास्कल के बाद में एक जर्मन मैथमेटिशियन था, एक जर्मन मैथमेटिशियन जिसने बनाया था, जिसका नाम था गॉटफ्राइड लेब्रिज, और उसने भी एक कैलकुलेटर डिवाइस बनाया था, जो थोड़ा आगे जाके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करता था, और थोड़े से अधिक, यानी थोड़े से ज़्यादा गणितीय ऑपरेशंस वो करता था, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है।
तो वो कर लेता था। आप यहाँ तक समझ गए, तीन नाम आपने बताया, मैंने बताया, जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल और जो जर्मन मैथमेटिशियन था वो है गॉटफ्रीड लेब्रिज, गॉटफ्रीड लेब्रिज। उसके बाद में चार्ल्स बेबेज का नाम आता है, चार्ल्स बेबेज। सी दिस नाम इज लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज द चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये चार्ल्स बेबेज नाम है, ये कंप्यूटर का फादर ऐसे नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है कंप्यूटर में, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक गणित का प्रोफेसर था चार्ल्स बेबेज, जिसने क्या करा था, मेड सम वर्थवाइल एफर्ट्स टुवर्ड द ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको थोड़ी हिंट भी दी थी चार्ल्स बेबेज के लिए, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। डेफिनेटली अभी मैंने आपको बताया था कि उसको मॉडर्न कंप्यूटर का फादर भी कहा जाता है, जिसने एक रिलायबल कैलकुलेटर तैयार करा था, जो बहुत ही बढ़िया तब का बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन डिवाइस था, जिसका नाम भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मैं और एक बार आपको रिपीट करूंगा, जिसका नाम था डिफरेंस इंजिन। डिफरेंस इंजिन वॉज एबल टू परफॉर्म मैथमेटिकल एज वेल एज अल्जेब्रिकल कैलकुलेशंस, गणितीय जो कैलकुलेशंस है उसके लिए ये डिफरेंस इंजिन उसने बनाया था। तो ये जो ब्लेज चार्ल्स बेबेज है, इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो अब आपके पास में चार नाम हो गए हैं, एक है जॉन नेपियर, दूसरा है ब्लेज पास्कल, तीसरा है जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रीड लेब्रिज, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स बेबेज। ये चार नाम आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में जो कंप्यूटर ने ग्रिप पकड़ ली डेवलपमेंट के बारे में, तो कंप्यूटर ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, या फिर किसी साइंटिस्ट ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, कंप्यूटर में बहुत एडवांसमेंट आके गया, आता गया, फिर होते होते कंप्यूटर ENIAC पे आ गया। ENIAC यानी इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर्स, यहाँ तक कंप्यूटर में डेवलपमेंट होता गया। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिमांड फॉर कंप्यूटर गैदर्ड एंड ड्यू टू दिस वर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट एनर्जेटिकली। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की नीड लगने लगी, बहुत लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ने लगी, तो फिर पहला कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ENIAC वॉज द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड एट दैट टाइम। इट वॉज बिल्ट फॉर अमेरिकन मिलिट्री, जो अमेरिकन मिलिट्री के लिए बनाया गया था। एंड इट टेक्स अबाउट 4 years टू बिल्ड दिस डिवाइस, 4 साल लगे इस डिवाइस को बनाने के लिए। ये साल था 1943 to 1946, 43 से 46 तक। इट टुक्स अप द वॉल स्पेस इन 30x50 स्क्वायर फुट रूम, जिसको करीब करीब 30x50 की रूम लगती थी ये कंप्यूटर को रखने के लिए। और ये कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, जो बनाने के लिए 4 साल लगे, जिसका साइज एक रूम, करीब करीब एक रूम इतना था। और ये जो कंप्यूटर है ये वैक्यूम ट्यूब्स से बनाया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स से बनाया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स, इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये है वैक्यूम ट्यूब्स है, जिसको ENIAC के नाम से जाना जाता था, जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जब हम जनरेशन देखेंगे तो जनरेशन में हमारी ये जो पहली जनरेशन होगी, यही पहली जनरेशन होगी हमारी, जो करीब करीब 1942-1943 को शुरू हुई थी और करीब करीब 50-55 तक ये चली थी, जिसमें पहले जनरेशन का कंप्यूटर था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब से पहला जनरेशन कंप्यूटर बनाया गया था, जो कि एक रूम के साइज़ का था और प्योर कैलकुलेटर मशीन था। फिर उसके बाद में जो कंप्यूटर ने डेवलपमेंट हुआ, फिर जाके सेकंड जनरेशन शुरू हुआ। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ, जिससे कंप्यूटर का जो साइज़ था वो छोटा होता गया। फिर ट्रांजिस्टर के बाद में IC आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर कंप्यूटर का जो आकार था बहुत छोटा होता गया, और ICs को डेवलप होते होते आज आपके हाथ में जो कंप्यूटर है
आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर है और वो बहुत ही छोटा हो गया है। सो दिस इज़ द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन में मैं और एक बार आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि इट्स 17th सेंचुरी एंड 1614 1614 में 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने एक जो एक मैथमेटिशियन था उसने एक कैलकुलेशन डिवाइस जिसका नाम लॉगरिथम था, फिर 1642 में ब्लेज पास्कल ने बनाया था, फिर जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रिड लेबनीज ने एक कैलकुलेटर बनाया था, फिर उसके बाद में जो फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है चार्ल्स बैबेज, उन्होंने एक डिफरेंस मशीन बनाया था, और उसके बाद में फिर जो अमेरिकन मिलिट्री के लिए ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर डेवलप हुआ था, जो करीब करीब 1643 से लेकर 46 तक 4 साल जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर भी जाना जाता है उसको ये बनाया गया था मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, अमेरिकन मिलिट्री के लिए बनाया गया था, जिसका एक रूम साइज था जिस कंप्यूटर का, और करीब करीब उसमें 30 बाय 50 यानी करीब करीब 1500 स्क्वायर फुट की रूम लगती थी, और 18,000 के करीब वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, 18,000 के करीब वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, जो कि बहुत ही बड़ा था, एक रूम के साइज़ का था। उसके बाद में ट्रांजिस्टर आ गए, फिर ICs आ गया, और IC की वजह से कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत छोटा हो गया। सो दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। आपको मैं एश्योर करूँगा कि आपको ये जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, ये आपको सब मैं भेजता जाऊँगा, या तो PDF द्वारा या फिर इमेजेस द्वारा, जो आपको पढ़ना है जिससे आपको नोट्स निकालने हैं। डोंट यू वरी, मैं जिस भी बुक को रेफर करूँगा या फिर आपको जो भी बुक ठीक लगेगा या फिर जो मुझे ठीक लगेगा उस बुक्स की मैं PDF बना के आपको जो नोट्स है वो रेफर करता जाऊँगा। सो डोंट वरी, आपको सुनना है, समझ लेना है, और आपसे मैं जो नोट्स शेयर करूँगा वो भी आपको देखना है, उसमें भी आपको पढ़ना है, समझ लेना है। तो ये था एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। फिर हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, कैरेक्टरिस्टिक देखे, एवोल्यूशन देखे, अब हम मूव करेंगे जनरेशंस। जैसे कि मैं जनरेशन पे ऑलरेडी आ चुका हूँ, एवोल्यूशन को देखते देखते जनरेशन पे मैं आ भी गया था। तो जनरेशंस इज व्हाट इज द एवोल्यूशन एक्चुअली, जो पीरियडिक डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है उसको जनरेशंस बोलेंगे। सिर्फ क्या हुआ है, तो उसको कुछ भागों में डिवाइड कर दिया है हमने, उसको जनरेशन बोलेंगे। जैसे कि हम आज देखते हैं, आप अगर मूवी में का कुछ जानते हो तो आपको समझ में आएगा कि भाई 60 के दशक की मूवी थी, बाद में 80 के दशक की मूवी बनी, बाद में 90 के दशक की मूवी, फिर 2000 के दशक की मूवी थी, फिर आज लेटेस्ट मूवी है। तो ये क्या है, ये मैंने जो साल बताया ये क्या है, इट इज़ द जनरेशंस। कंप्यूटर के भी ऐसे ही पांच जनरेशन में उसको सब कैटेगराइज किया कि भाई कंप्यूटर के जो डिवाइसेस थे जिस कालखंड में यूज़ किए गए, वो जो कालखंड है उसको हम जनरेशंस बोलेंगे। और जनरेशन की डेफिनेशन क्या है, तो एवोल्यूशन की जो डेफिनेशन वो जनरेशन की है, इट इज़ द पीरियडिक डेवलपमेंट। कंप्यूटर की जो कालखंड में एक डेवलपमेंट हुई है उसको हम जनरेशंस बोलेंगे। तो देर आर 5 generations ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कितनी जनरेशंस है, 5 generations है। मैं कुछ साल बताऊंगा, आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर के जनरेशन की कुछ साल है। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि 43 से लेकर 46 तक जो जनरेशन 55 तक चली थी वो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी। तो 43 में कंप्यूटर बनना शुरू हो गया तो 42 में उस पर काम शुरू हुआ था। तो पहली जनरेशन जो है वो 1942 है, 1942 से 1955 तक। द फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन इज 1942 to 1955। इन द लास्ट लेक्चर आई वॉज टोल्ड यू अबाउट द नोट्स। मैंने बोला था कि जब भी आप लेक्चर सुनेंगे तो आपको क्या करना है, एक पेंसिल और एक रफ बुक लेके बैठना है, और ये जो कुछ पॉइंट्स है आपको नोट्स करके रखने हैं। जिससे क्या होगा, जिससे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने में सहूलियत होगी, या फिर समझने में आपको थोड़ा इजी जाएगा, या फिर आपको याद रखने में इजी जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी जनरेशंस बताया, जैसे कि मैंने आपको ENIAC का फुल फॉर्म बताया था कि ENIAC इज़ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
तो आप इसको रिवाइंड करके सुन सकते हो और लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द ई एन आई ए सी। हो सकता है ये ई एन आई ए सी आपको एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ई एन आई ए सी ऑब्जेक्टिव टाइप में। वैसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई पहली जनरेशन कब शुरू हुई थी, विच वॉज द ईयर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सो दैट इज 1942 to 55। ये आपको नोट करके लेना है। तो पहले जनरेशन में जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन करा था 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स VACUUM वैक्यूम ट्यूब्स TUBES VACUUM वैक्यूम ट्यूब्स। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स से पहला कंप्यूटर बनाया था जो 42 से 55 तक चला, 1942 अप टू 55, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एंड दिस वॉज बिल्ड फॉर अमेरिकन मिलिट्री के लिए बनाया था जो 42 से 55 तक चला। ये था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दो चार तो मैंने बताई दी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ वेरी बल्की इन साइज, ये बहुत बड़ा था। इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ वेरी कॉस्टली, ये महंगा था। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये तब का इट इज़ अ फास्टेस्ट डिवाइस, कैलकुलेशन डिवाइस। ये तब का क्या था, फास्टेस्ट यानी फास्ट कैलकुलेशन डिवाइस था, जो कैलकुलेशन करता था वो बहुत ही फास्ट करता था। देन इट इज़ अ वेरी पावर कंज्यूमिंग, ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर लेता था, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। तो ये चार पांच जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपको नोट करने पड़ेंगे। इट इज़ बल्की इन साइज, बड़ा था, महंगा था, इलेक्ट्रिसिटी पावर ज़्यादा लेता था, और देन तब का वो फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर हम सेकंड जनरेशन में जाएंगे जो 1955 में करीब करीब शुरू हुई और 65 तक चली। और ये जो सेकंड जनरेशन थी इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे इसलिए कंप्यूटर की जो साइज़ थी वो छोटी हो गई। सुनो, इट्स अराउंड 1955 to 65, दिस इज़ द सेकंड कंप्यूटर जनरेशन। 55 to 65, दिस इज़ द सेकंड कंप्यूटर जनरेशन वॉज यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस